दोस्तों मेरा नाम है रैम्स, यू आर वॉचिंग आवर टाइम इज नाउ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं पहली न्यूज की, तो आ रही है बीएसएनएल के बारे में। बीएसएनएल ने रिवाइज कर दिए हैं अपने प्रीमियम एफटीटीएच प्लान्स को, जो है उनके फाइबर टू द होम प्लान्स, और ये मतलब रिवाइज किए हैं कुछ ही सर्कल्स में, और सबसे पहले रिवाइज किया है उन्होंने चेन्नई सर्कल में। और मतलब स्कीम तो बहुत अच्छी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ हद तक कंपटीशन दे सकती है शायद जियो गीगा फाइबर को, और मतलब लॉन्च करने का कारण भी है जियो गीगा फाइबर को थोड़ा बहुत कंपटीशन देना। और प्लान कुछ ऐसा है दोस्तों के 4999 यानी कि 5000 रुपीस में आपको मिलेगी 1.5 टीबी तक की एफयूपी लिमिट, और स्पीड होगी 100 एमबीपीएस की। अगर 1.5 टीबी की आपने एफयूपी लिमिट क्रॉस कर दी तो आपकी स्पीड हो जाएगी 2 एमबीपीएस की, और आप यूज कर पाएंगे अनलिमिटेड डेटा को। उसी के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉल भी दिया जा रहा है, और उनके जो प्रीमियम मेंबर्स है उनको मिलेगा एक ईमेल एड्रेस, और उसमें होगी 5GB तक की स्टोरेज लिमिट, मतलब आपको क्लाउड पे 5GB तक की स्टोरेज फ्री मिल रही है इसके साथ में। तो काफी अच्छी स्कीम है, लेकिन है अभी सिर्फ चेन्नई सर्कल के लिए ही। तो देखने वाली बात यह रहेगी दोस्तों के मतलब पूरे इंडिया को कवर करने की ट्राई करता है बीएसएनएल या नहीं। अगर हमारे गुजरात की बात करें दोस्तों, तो कुछ साल पहले, कुछ नहीं मतलब बहुत साल पहले की बात है, जब होते थे लैंडलाइन कनेक्शंस बीएसएनएल के हर एक घर में, और अनलिमिटेड इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वहां से ही, और आज की बात करें तो वो कहीं पे दिखाई दे नहीं रहा है। तो मतलब क्या बीएसएनएल फिर से कमबैक करने की कोशिश करता है, या फिर रह जाता है अपने कुछ सर्कल्स में ही लिमिट बना के? तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ऐसे में अगली न्यूज की बात करें तो आ रही है हैकर्स के बारे में। हैकर्स ने कर लिया है करीबन $1 बिलियन का क्रिप्टो करेंसी को चोरी कर लिया है, मतलब इतना डेटा कर लिया है चोरी। और माना ऐसा जा रहा है कि करीबन 7 क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर उन्होंने धाबा बोल दिया है, और 2018 में मतलब अब तक $1 बिलियन तक का डेटा कर लिया है स्टोलन। तो मतलब अभी तो आधा ही 2018 खत्म हुआ है और इतनी बड़ी न्यूज आ गई है, तो देखते हैं मतलब इस पर क्या कंट्रोल लाया जा सकता है, और हैकर्स के बारे में क्या करेंगे अब ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स वाले, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और मतलब क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ भी कुछ इस तरह से रही थी कि मतलब हैकर्स तो इस पर नजर डालने वाले ही थे, तो आगे क्या मतलब एक्शन लिया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। और ऐसे में दोस्तों तीसरी न्यूज की बात करते हैं तो आ रही है ओवो ट्रैवल आयरन के बारे में। रिलायबल करके एक कंपनी है जिसने लॉन्च कर दी है ओवो ट्रैवल आयरन करके एक इस्त्री, मतलब ये खास तौर पे डिजाइन की गई है जो पर्सन ट्रैवल्स करते रहते हैं और उनको मतलब इस्त्री टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं, उनके लिए डिजाइन की गई है ये ट्रैवल आयरन। और मतलब इसका शेप कुछ अंडे जैसा है और वेट भी काफी कम है, 0.7 kg जितना वेट है, और ये काम करेगा दो तौर पर कि आपके कपड़ों की आयरनिंग भी करेगा और मतलब गारमेंट स्टीमर के तौर पर भी ये काम करेगा। तो मतलब कितना रिलायबल होता है, और करीबन प्राइस मानी जा रही है 2-3 हजार के आसपास, तो मतलब क्या कस्टमर इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और कितना होगा सक्सेस मार्केट में, ये जानने वाली बात रहेगी। और दोस्तों ऐसे में अगली न्यूज निकल के आ रही है गूगल पिक्सल्स के बारे में। गूगल पिक्सल 3 और गूगल पिक्सल 3 एक्सेल आ चुका है मार्केट में और लॉन्च होने वाला है अक्टूबर 2018 को, और आएगा एंड्रॉयड पी ओएस के साथ, होंगे ये पहले फोन जिसमें आएगी एंड्रॉयड पी ऑपरेटिंग सिस्टम। और माना ऐसा जा रहा है कि नोचिस वाले फोन होंगे, क्योंकि मतलब एंड्रॉयड पी जो है ओएस स्पेशली डिजाइन किया गया है नोचिस वाले फोन के लिए, तो होंगे ये नोचिस वाले फोन। मतलब और कुछ बात की जाए दूसरे फीचर्स की, तो 2 फ्रंट फेसिंग कैमरास होंगे, उसके साथ एच टू एच डिस्प्ले होगा, और मतलब डिजाइन तो दिख रहा है पिक्सल 2 के जैसा ही। तो देखते हैं कि मतलब प्राइस रेंज क्या होती है, ऐसा न्यूज आ रही है कि इनएक्सपेंसिव होगा और मिड रेंज की प्राइस होगी ऐसा बोला जा रहा है गूगल की ओर से। लेकिन पिक्सल 2 की प्राइस की बात की जाए तो करीबन थी 50,000 के आसपास, तो पिक्सल 3 में मतलब क्या लाते हैं और मतलब सभी लोगों के लिए डिजाइन करते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है जो मतलब 50-60 हजार के फोन खरीदते हैं उनके लिए डिजाइन किया जाता है ये फोन, तो ये देखने वाली बात होगी। हमारी मेन न्यूज के बारे में, तो 2020 रोवर मिशन में नासा डिजाइन कर रहा है एक हेलीकॉप्टर को, यानी कि एक चॉपर को, और भेजने वाला है मार्स पर।
और मतलब क्या है इसका वेट, क्या होगी इसकी डिजाइन, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और चॉपर बना के उड़ा रहे हैं अपने लैब में, और इसके ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं वो लोग। और माना ऐसा जा रहा है कि इसका मतलब जो शेप होगा और वेट होगा वो मतलब करीबन एक बॉल के जितना होगा, और इसकी जो विंग्स होगी वो रोटेट होनी चाहिए 10 गुना ज्यादा स्पीड से जो भी चॉपर्स अर्थ पर है उससे, उसकी विंग्स से करीबन 10 गुना ज्यादा स्पीड से विंग्स घूमनी चाहिए जो चॉपर वो भेजने वाला है मार्स पे उसकी। तो उस पर रिसर्च चल रही है। और इसके अलावा हीटिंग सिस्टम हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, तो सब पर वर्क किया जा रहा है। और कैसे कंट्रोल किया जाएगा अर्थ से इस चॉपर को मार्स पे, उस सभी के बारे में मतलब रिसर्च हो रहा है। और मतलब अगर ये हो गया सक्सेसफुल 2020 में, तो मतलब बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अभी जो क्यूरियोसिटी रोवर और अपॉर्चुनिटी रोवर है वो तो मतलब मार्स की धरती पर घूम के मतलब रिसर्च कर रहे हैं। अगर चॉपर ऐसे में भेज दिया मार्स पर, तो मतलब कितना वाइड रेंज हो जाएगा हमारा रिसर्च का, और बहुत सारी रिसर्च हो पाएगी इसके डेटा से। मतलब आसमान में भी मतलब रिसर्च होगी, नीचे भी रिसर्च होगी, और सब जगह पर स्कैन करके ये चॉपर हमें इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। और बहुत ही ज्यादा मतलब होगी रिसर्च की, जो भी है रिसर्च का उसमें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस चॉपर के द्वारा। तो देखते हैं 2020 में कैसे करता है नासा इसे सक्सेस। और बस दोस्तों यही थी आज की हमारी खबरें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दोस्तों, यू टेक केयर एंड बाय।